कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और बाकी दो महीना के अंदर और दो महीना बाद आप लोग का एग्जाम होगा, आप लोग का एग्जाम होगा। यूजीसी का 6 तारीख को रिपोर्ट आएगा, यूजीसी का 6 तारीख को रिपोर्ट आएगा। उस रिपोर्ट में क्लियर होगा कि आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होना है या ऑनलाइन एग्जाम होना है। यूजीसी ने सजेस्ट किया है ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए गाइस, समझ रहे ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ये जो हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंटरप्रेन्योर सस्टेनेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। जो बच्चे नए होंगे आप बोलना, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ना तीन चीज बहुत जरूरी है। एक होता है स्टिमुलेशन, एक होता है सपोर्ट, और एक होता है एक्टिविटीज। बुक का पीडीएफ का पेज नंबर कितना है वो बता दीजिए। पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8 है पीडीएफ का। जिनके पास बुक बनाई है पीडीएफ है, पेज नंबर 8। तो दोस्तों तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेशन, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। स्टिमुलेशन के लिए कौन कौन सा एक्टिविटी है, सपोर्ट के लिए कौन कौन सा एक्टिविटी है, और कैमरा मैन आ गया इसमें, देखिए आज सस्टेनिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटी है। ये तीनों चीज हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा दें। स्टिमुलेशन मतलब वो कौन कौन सा चीज है जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाता है। सपोर्ट मतलब वो कौन कौन सा चीज है जो एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करता है। और स्टिमुलेशन का मतलब होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में बिजनेस को चलाना। एक बार पूछते हैं, देखते हैं किसको याद है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसके घर में डेयरी मिल्क जाएगा। बताएंगे ना आंसर, आप लोग बताएंगे लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे, बताएंगे बताएंगे। अच्छा तो बताइए, हाँ बताएंगे, एक ही बच्ची सिर्फ हाँ बोली है। देखो आप लोग सब 100 लाने वाले स्टूडेंट लोग, हाँ एग्जाम का रिजल्ट याद होगा आप लोग को, 100 स्कोरर्स ऑल टॉपर्स। आप लोग में कितना बच्चा 100 लेके आया है। चलिए आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, सब्सिडी देना ये किसमें आएगा, स्टिमुलेशन एक्टिविटी में आएगा, सपोर्ट एक्टिविटी में आएगा या सस्टेनिंग एक्टिविटी में आएगा। स्टिमुलेशन, सपोर्ट या सस्टेनिंग, कौन बताएगा। सब्सिडी देना सपोर्ट में आएगा। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड परमजीत जी, वेरी गुड सानू कुमार जी, विनीता बहुत बढ़िया, विनीता बहुत बढ़िया। जो बच्चे लास्ट क्लास किए थे वो लोग आंसर देंगे। और देखिए अभी जब क्लास खत्म होगा ना, हम ग्रुप से लिटरली ट्रस्ट में बहुत बच्चों को हटा देंगे, क्योंकि देखो बच्चा लोग क्लास ग्रुप में रह जाएगा तो लास्ट तक रह जाएगा तो बोलेगा भैया हम तो पढ़ते थे ट्यूशन, उस सब नहीं चलेगा। जो लोग क्लास करते रहेंगे उन लोगों को एक ग्रुप में रखा जाएगा। देखिए जो लोग इरेगुलर है लोग हटा देंगे। आइए देखिए, तो स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है मोटिवेट करना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मोटिवेट कौन कौन सा चीज करता है, मैंने आपको पढ़ाया था। सपोर्ट का मतलब होता है वो कौन कौन सा चीज है जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में हेल्प करता है। अरे भाई ऑनलाइन में भी लेट आते हो यार, उसके लाइए वो कौन कौन सा चीज है जो सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास का एक घंटा पूरा इसी को पढ़ा था। आज का टॉपिक है हम लोग का पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। आज का हम लोग का टॉपिक है कि वो कौन कौन सा चीज है, वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो स्टिमुलेशन देता है, सपोर्ट देता है और सस्टेनेबिलिटी देता है। वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो सपोर्ट देता है, स्टिमुलेशन देता है और सस्टेनेबिलिटी देता है। तो दोस्तों एक एक अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा लास्ट क्लास नहीं किया था उनके लिए मैं समझाता हूं। आप समझिए एंटरप्रेन्योरशिप मतलब स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंडिया में वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंडिया में वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो नया बिजनेस को मोटिवेट करता है, जो नया बिजनेस को बढ़ावा देता है, जो नया बिजनेस को आगे बढ़ाता है, वो कौन कौन सा बिजनेस, वो कौन कौन सा, दो फोन आपका क्या, अच्छा ठीक, वो कौन कौन सा, नहीं नहीं ठीक नहीं नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वो कौन कौन सा बिजनेस है गाइस जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो पूरे इंडिया में ना दो तरह का इंस्टीट्यूट है, एक है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है, और मिक्स इकोनॉमी होने के कारण इंडिया में हर चीज दो तरह का मिलेगा आपको, प्राइवेट भी मिलेगा गवर्नमेंट भी मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा गवर्नमेंट भी मिलेगा। सर 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 प्राइवेट कौन सा, प्राइवेट का एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देंगे, सबर करो जरा। देखो प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में
अभी स्कूल देख लो आप अपना, प्राइवेट स्कूल भी है गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो दोस्तों हर चीज में आपको प्राइवेट भी मिलेगा गवर्नमेंट भी मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा गवर्नमेंट भी मिलेगा। सो भाइयों और बहनों जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग के कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपका स्टिमुलेशन बिजनेस को मोटिवेट करते हैं, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस को पैसा देते हैं, बिजनेस को मशीन में हेल्प करते हैं। उन इंस्टीट्यूट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दो तरह के इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। जैसे स्कूल में होता है ना प्राइवेट और गवर्नमेंट, बस में देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट, थैंक गॉड रेलवे में प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को पता होगा रेलवे इज बीइंग आल्सो प्राइवेटाइज्ड, रेलवे को भी गवर्नमेंट बेचने के जा रहा है, बीच बहुत सारे स्टेशन तो बिक भी गया ऑलरेडी। तो दोस्तों कुछ दिन बाद रेलवे भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हो जाएगा, कि मेरा प्राइवेट रेलवे है मेरा सरकारी रेलवे है। तो आज हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिनका काम होता है स्टिमुलेशन देना, सपोर्ट देना और एक्टिव हेल्प करना बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी में। चलिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। एक है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां पे लिस्ट में दिया हुआ है, मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। उनका फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा भाई, उसका फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा कि मैं फुल फॉर्म पूछ देता है। आइए, आईएफसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीएसबी सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ये सब गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम में क्या करेगा, ये तो एमसीक्यू पेपर है, एक क्वेश्चन दे देगा, अब बोलेगा बताओ ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे रहे गाइस, ठीक है। यूट्यूब वालों गूगल मीट वालों दोनों को पढ़ा रहे, देख लो भाई, यूट्यूब वालों और गूगल मीट वालों दोनों बच्चे लोग देखो, दो लेयर में क्लास कर रहे हैं हम लोग। सीबीआई का फुल फॉर्म क्वायर बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, उसका ईयर भी दिया हुआ बगल में। एनआईडीसी नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसएसआईबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा पलटिए भाई, बाबा एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, आईआईसी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईआरबीआई इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, एसआईडीओ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, टीसीओ टेक्निकल कंसिस्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ये क्या इतना नाम को हटेंगे, नहीं इसको पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के बाद ना इसमें से क्या करेंगे, एक दो इसको बस याद रखना है कि ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बस आपको याद रखना है कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टिमुलेशन सपोर्ट ये सब एक्टिविटी देते हैं, मतलब बिजनेस को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। आइए इसके बाद वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो पिछला दिन वाला टॉपिक का कंटिन्यूशन है। नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट का नाम सुन लीजिए, प्राइवेट का नाम जिसका जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है गाइस, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगा। आ जाओ उसमें पहला है एसोकेम। एसोकेम का फुल फॉर्म देखिए, एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एलयूबी लघु उद्योग भारती। बाबा लघु मतलब छोटा, हिंदी पढ़े होंगे ना 11 12 में, लघु मतलब क्या होता है, छोटा। आई थिंक नेट इज वर्किंग वेरी गुड बिकॉज मुझे फील हो जाता है कि नेट से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप लोगों को आराम से साफ साफ दिखाया और सुनाई दे रहा है ना बाबू, दिखाया और सुनाई दे रहा है ना, रिप्लाई नहीं करिएगा। देखिए आप लोग इतना अच्छा मार्क्स लाए ना, आप लोगों को पार्टी देना होगा, बात तो समझ लीजिए, ट्रीट देना होगा भाई आप लोगों में तो, सभी 90% वाले लोग हैं, ट्रीट तो देना होगा भाई। हाँ ट्रीट चाहिए बस, क्योंकि देखिए दिस मे बी द लास्ट एग्जाम ऑफ आवर लाइफ, हो सकता है कि हम लोग का जिंदगी के लास्ट एग्जाम हो जहाँ पे हम लोग इतना स्कोर किए, तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट करने का, खूब खुश होने का। देखिए बाबा बच्चे लोग लिख रहा हैशटैग ट्रीट चाहिए, वाह बच्चे लोग लिख रहे हैं हैशटैग ट्रीट चाहिए। देखिए ठीक है हम ही ट्रीट दे देंगे, आप लोग आओगे ना वापस कोविड के बाद तो हम ट्रीट दे देंगे। देखिए
तो गाइस यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं सीखे हम लोग, सिंपल सा चीज सीखे कि दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो गवर्नमेंट वाला एक तो प्राइवेट वाला। गवर्नमेंट वाला भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट वाला भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट वाला का काम क्या है, गवर्नमेंट वाला में बहुत सारा एग्जांपल है, प्राइवेट वाला भी बहुत सारा एग्जांपल है। अपना फुल फॉर्म याद करके रखना, अगला दिन फुल फॉर्म पूछेंगे आप लोग सबसे, ठीक है। आइए अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं भाई, बॉम्ब वाला टॉपिक है, बॉम्ब जबरदस्त टॉपिक है भाई, एकदम पूरा लॉजिकल टॉपिक है। गाइस जब आप कैपिटल की बात करते हो, जब आप पैसे की बात करते हो, तो एक कंपनी को चलाने के लिए दो तरह का कैपिटल चाहिए। कितना तरह का भैया? दो तरह का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल दैट इज नीडेड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू वॉन्ट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। अगर हम अपना घर चला रहे, अगर हम कोचिंग चला रहे, अगर मान लीजिए बिजनेस चला रहे, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए दो तरह का कैपिटल चाहिए। कितना तरह का बाबू? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, बोलो ना। देखो ऑफलाइन वाले बच्चे लोग आंसर दे रहे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दो 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 सर, दो का नाम तो बताइए। एक है फिक्स कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। एक क्या है? फिक्स कैपिटल, और एक क्या बाबू? वर्किंग कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल मतलब क्या? फिक्स कैपिटल मतलब क्या? तो गाइस फिक्स कैपिटल वो होता है, फिक्स कैपिटल वो होता है, फिक्स कैपिटल वो होता है जो फिक्स होता है। फिक्स कैपिटल वो होता है जो क्या होता है? फिक्स। बाबा कितना हार्ड डेफिनेशन। फिक्स कैपिटल वो होता है जो फिक्स होता है। सर कैसे? सर कैसे? सुनिए बताते हैं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर, कार, ये सब वो कैपिटल है जिसे हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। थोड़ा अच्छा से बोलिए। व्हेन द मनी इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट, जब पैसा को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट में, तो वो फिक्स कैपिटल बन जाता है। भैया फिक्स एसेट क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार। अब ये सब तो अभी इस उम्र में आकर के ये सब बताएंगे तो आपको भी खराब लगेगा। तो गाइज फिक्स कैपिटल वो होता है विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। अभी आपको मतलब कोचिंग का एग्जाम्पल देते हैं, कैमरा उठाना पॉसिबल नहीं है तो दिखाते। कोचिंग में तो एसी लगा हुआ है गाइस, एसी कौन सा एसेट है बताइए? कौन सा एसेट है बताइए? कौन सा एसेट है एसी? कौन सा एसेट है भाइयों बहनों बताइए? आई वॉन्ट आंसर गाइस। आंसर नहीं मिलेगा मारा मारी हो जाएगा। बताइए फिक्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। एक होता है फिक्स, एक होता है वर्किंग। एक होता है फिक्स, एक होता है वर्किंग। फिक्स कैपिटल वो होते हैं ना जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। फिक्स कैपिटल आर दोस कैपिटल विच आर फिक्स्ड, दे डू नॉट चेंज मच। एंड यू नो व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी इनटू फिक्स एसेट दैट इज द फिक्स कैपिटल। बट व्हेन द मनी इज इन्वेस्टेड इन डे टू डे अफेयर ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस के डे टू डे अफेयर में, डे टू डे अफेयर मतलब कोचिंग को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, मासी को जो सैलरी देंगे वो वर्किंग कैपिटल है, टूल खरीदेंगे वर्किंग कैपिटल है, जीरोक्स देंगे वर्किंग कैपिटल है, नहीं वो तो पर्सनल खर्चा हो गया ना। गाइस एक बिजनेस में दो तरह का कैपिटल होता है। आप अपना घर, आप लोग तो घर में बैठे हो ना, अभी आपको एक जादू दिखा रहे, देखिए आप लोग सारे बच्चे इस जादू को एक्सपेरिमेंट करना, मस्त जादू है गाइस, मस्त जादू है। आप लोग अपने घर में बैठे हो, अब आप लोग जस्ट देखो घर में, नजर को दौड़ाइए। घर में आपको कहीं फ्रिज दिख रहा? एक बार देखिए, जादू होगा अभी। घर में कहीं फ्रिज दिख रहा? रिप्लाई करिए टाइपिंग में, जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारिए। दिख रहा कि नहीं दिख रहा बताइए? जिनको दिख रहा, जिनके जिनके पास है, जिनको दिख रहा बताइए। ओके ओके, जिनको दिख रहा गाइस, पता है आपको वो फ्रिज फिक्स कैपिटल है। यही जादू था कि वो एसी फ्रिज फिक्स कैपिटल है। फ्रिज फिक्स कैपिटल है, वो जो फ्रिज आपको घर में दिख रहा है वो फिक्स कैपिटल है। अच्छा आप जो बैठे होंगे, आप पलंग पे बैठे होंगे, अब जादू होगा। देखिए आप पलंग पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं आप, पलंग पे चौकी पे बैठे होंगे गाइस, पलंग चौकी जब चो हम लोग बिहारी भाषा में चौकी बोलते हैं, पलंग पे आप लोग बैठे होंगे, चौकी में बैठे होंगे, नहीं चेयर पे बैठे हैं, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। यही तो जादू है गाइस, आइटम को आइडेंटिफाई करना है। जब लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे फिक्स कैपिटल, जब लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे फिक्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा फिक्स कैपिटल, जिसपे डेप्रिसिएशन होता है फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल मतलब व्हेन द मनी इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट
दैट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। बट फिक्स कैपिटल का कुछ यूनिक बात है जो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर वन, फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। पॉइंट नंबर टू, फिक्स कैपिटल में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा अमाउंट, बाप रे बाप, कितना अमाउंट, बड़ा अमाउंट। उसके बाद तीसरा बात, ये तीन बात बताते हैं आपको। और फिक्स कैपिटल आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, सबका वैल्यू धीरे 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 घटता है, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन होता है। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सबका वैल्यू धीरे 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 घटता है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और दोस्तों डेप्रिसिएशन जो है एक एसेट पे नहीं होता है, उसका नाम है लैंड। आई होप आप समझ गए होंगे, जल्दी से बताइए यस और नो, क्या आगे बताइए। आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन गाइस, कोई रिप्लाई नहीं देता ना, तो ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हैं कहीं पे। हाँ, परमजीत सिंह, आकांक्षा यादव, अनु, एक दो बच्चे अभी भी रिप्लाई नहीं दे रहे भाई, याद देना है, रिप्लाई देना है। चलिए, क्योंकि बेसिक समझेंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ आएगा डिटेल में। तो चलो अब मैं आपसे वर्क पूछता हूं, आप बताना। एसी, एसी, एसी फिक्स क्या है, क्या वर्किंग, बताइए फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, एसी क्या है? काजल, धीरिता, धीरज, फिक्स कैपिटल है। गुड़िया रिप्लाई दीजिए बाबू, गुड़िया रिप्लाई नहीं दे रहे आप, देखिए। अच्छा, उसके बताइए, कार, कार, कोई आदमी अगर कार खरीदता है, कार कौन सा कैपिटल होगा, फिक्स या वर्किंग? फिक्स कैपिटल। अच्छा, भाजी पूड़ी, भाजी पूड़ी समझते हैं, पूड़ी सब्जी इसको बोलते हैं, पूड़ी सब्जी जो आप खाते हो, पूड़ी सब्जी कौन सा कैटेगरी में आएगा बताइए, पूड़ी सब्जी में पैसा खर्चा किए, फिक्स या वर्किंग, फिक्स या वर्किंग? टेबल लिस्ट करिए दो स्टूडेंट का, अब है एडिट हुए, ऐड हुई है, यस। सो गाइस, अच्छा एक बात बताइए, हम मान लीजिए ज्वेलरीज खरीदे, ज्वेलरी फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल। तो जब आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। और जब आप शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है? अब तो जब लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे फिक्स कैपिटल, और जब शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, वर्किंग कैपिटल, ठीक है गाइस? चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिक्स कैपिटल को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए, वो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द बिजनेस। गाइस, बिजनेस दो तरह का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कौन सा होता है, जिसका काम है सामान बनाना और बेचना, बनाना और बेचना, बनाना और बेचना। और ट्रेडिंग कंसर्न कौन, जिसका काम है खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना। तो गाइस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होता है जिसका काम है सामान को बना के बेचना, और ट्रेडिंग कंसर्न वो होता है जिसका काम है सामान को खरीदना और बेचना। अब आप लोग जवाब देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग बताइए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिक्स एसेट मतलब फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, प्लीज रिप्लाई। अगर हम सामान बनाते हैं तो मेरे पास मशीन्स वशीन्स ज्यादा होना चाहिए कम, ज्यादा या कम, माजी ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, कम या ज्यादा, ज्यादा या कम, कम या ज्यादा, हाई या लो, लो या हाई, देखते कौन हमसे फास्ट रिप्लाई देता है। जो हमसे फास्ट रिप्लाई देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ मिला नहीं था, अब क्या मिलेगा। हाई, वेरी गुड, हाई, हाई या लो, हाई या लो, आपका मैसेज मेरे टोन से मैच करना चाहिए, हाई या लो, लो या हाई, हाई या लो, नहीं होगा, छोड़िए, हटाइए,
बहुत डिफिकल्ट है। हाय हाय सब बच्चे बोल रहे हाय हाय, खाली हाय आंसर आ रहा, खाली हाय आंसर आ रहा भाई, खाली हाय हाय हाय। ओके चलिए म्यूट म्यूट करिए, डाउन करिए कैमरा उसका वॉइस। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी हायर। एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा बताओ, एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा बताइए, अगर अगर क्वेश्चन दे देगा बोलेगा बताइए अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो आप बोलोगे इफ देर इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी हायर। देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न। तो जो लोग सामान बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए और ट्रेडिंग कंसर्न में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अगला है फिनिश प्रोडक्ट्स। देखिए फिनिश प्रोडक्ट मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो। अब आप एक बार बताइए, अगर मान लीजिए हम समझिए, अगर मान लीजिए हम ड्यूरेबल गुड्स बनाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स मतलब मशीन्स बनाते हैं, तो हमको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो हमको फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है, फिक्स कैपिटल का जो जरूरत है, वो डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे। अगर आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में बेचोगे तो आपको फिक्स कैपिटल हाई चाहिए, और अगर आपका प्रोडक्ट पेरिसेबल गुड्स है तो उस केस में फिक्स कैपिटल कम चाहिए। ठीक है देखिए पढ़ते हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन द सेंस दैट इफ द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लिकेटेड देन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर एज कंपेयर टू सिंपल प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड है तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ठीक है अब ठीक है ना। चलिए अगला ये स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल कहां गया, स्केल दीजिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखिए स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं गाइस, स्केल का मतलब क्या होता है, हम लोग आप लोग जब स्केल कहते हैं ना तो हम लोग आप लोग को लगता है कि स्केल का मतलब ये वाला, हम लोग आप लोग के लिए स्केल ये है देखिए, बट दोस्तों बिजनेस में ये स्केल नहीं होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्केल इन बिजनेस, बिजनेस में स्केल का मतलब होता है साइज, साइज ऑफ द बिजनेस। दोस्तों हमको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे। अगर मेरा बिजनेस बड़ा है, अगर मेरा बिजनेस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग बता दीजिए फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम, ज्यादा चाहिए कि कम, ज्यादा या कम, हाई या लो, हाई या लो, इंग्लिश में, इंग्लिश में लिखिए बाबू, अब तो हिंदी नहीं चलेगा। आप सब काजल आपका तो हिंदी एकदम नहीं, क्योंकि आप 100 मार्क्स लाए थे भाई, काजल 100 स्कोरर है, काजल हिंदी में बात नहीं करेगी, अब 100 मार्क्स लाने वाला बच्चा लोग हिंदी में बात नहीं करेगा भाई। हाँ हाई वेरी गुड। देखो आप लोग हमको ये समझ नहीं आया कि जब इतना मार्क्स आया तो बच्चे लोग सैड क्यों हो गए, बच्चे लोग ज्ञान को थोड़ा ज्यादा ले लिए शरीर, मैंने खुश रहो ना भाई, ये इतिहास रच दिया आपका, लोगों के जो अगला जनरेशन आएगा उसको आप बोलिएगा देखो बेटा 100 में 100 आए थे, उसको थोड़ी पता कोविड आया था। देखिए नहीं नहीं जो 95 लाया उर्दू बोलेगा। देखिए मजाक करे बाबू का, देखो जिंदगी को ना आप देखते होंगे मेरा एक स्टेटस का पॉपुलर लाइन है कि जिंदगी को काटिए मत, जीना सीखिए, खुश रहिए, क्या करेंगे उदास रह करके, प्रॉब्लम हर व्यक्ति के जिंदगी में है, सो ट्राई टू स्टे हैप्पी गाइस। प्रॉब्लम आपके घर में भी, मेरे घर में भी बहुत प्रॉब्लम है, बट नॉट नीड नॉट शेयर दैट, हर चीज को बताना जरूरी नहीं होता है। चलिए गाइस स्केल ऑफ ऑपरेशन का बात कर रहे हैं, स्केल मतलब बिजनेस का साइज। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अब छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मेरा कोचिंग बहुत बड़ा होता तो हमको मशीन्स का दरकार ज्यादा पड़ता, तो पैसा उसमें ज्यादा लगाना पड़ता। एक छोटा सा कोचिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें हम लोग को क्या है 40-50 टूल लगा दिए, टूल चेयर लगा दिए, एक छोटा सा एसी लगा दिए सस्ता वाला, बस हो गया, ज्यादा का बोर्ड वोर्ड लगा दिया दरकार नहीं। तो गाइस बिजनेस जितना बड़ा होगा फिक्स कैपिटल उतना ज्यादा चाहिए होगा। देखिए लिखते हैं, इन केस ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल। अगला आते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बाबू एक एक लाइन को समझिए। देखो लोग, देखिए इकोनॉमिक्स तो यूं ही बदनाम है,
असली दर्द तो एंटरप्रेन्योरशिप देता है। इकोनॉमिक्स तो यूं ही बदनाम है, लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स हार्ड, आप पढ़ते हो देखते हो इकोनॉमिक्स में तो टफ है नहीं उतना, असली दर्द तो आपको एग्जाम में एंटरप्रेन्योरशिप और एथिक्स देगा, एकदम झटका, एकदम झटका, एकदम नया नया क्वेश्चन, अजीब अजीब क्वेश्चन। आइए गाइस, अगला बात है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का टेक्निक कैसा होता है बाबू? प्रोडक्शन का टेक्निक दो तरह का होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। भैया लेबर इंटेंसिव क्या होता है? लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर का हेल्प लेकर के प्रोडक्शन करना। भैया कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जहां पे मशीन का यूज ज्यादा होता हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, एक सवाल है मेरा, आप लोग से जवाब दीजिएगा। बाइक, बाइक समझते हैं, बाइक वाहन, बाइक जो होता है दोस्तों, बाइक जो बन के आता है, जिस इंडस्ट्री से बन के आता है, कंप्यूटर जिस इंडस्ट्री से बन के आता है, वहां पे मशीन का यूज ज्यादा होता होगा या लेबर का यूज ज्यादा होता होगा, बताइए? मशीन या लेबर? मशीन या लेबर? मेरा कंप्यूटर में आपका चैट रिकॉर्ड होगा भाई, मशीन या लेबर? मशीन का यूज ज्यादा होता है, राइट? तो दोस्तों अगर मशीन का यूज ज्यादा होता है, अगर मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर मशीन का यूज कम होता तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रोडक्शन का टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव है, अगर कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज हायर, और अगर प्रोडक्शन का टेक्निक लेबर इंटेंसिव है तो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज लोअर। आई होप आप समझ गए होंगे, सही है गाइस? यस और नो? अभी पूछेंगे बाबू। चलिए तो यहां तक हम लोग पढ़े हैं, अब उसके बाद वर्किंग कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, पर मैं पूछूं क्या, मैं पूछूं क्या आप लोग से? बुरा तो नहीं ना मानोगे आप, गुस्सा तो नहीं ना हो जाओगे? नहीं। पूछे तो गुस्सा हो जाओगे? एक लड़का बोला यस नो, कोई गुस्सा हो जाएगा तो प्लीज रिप्लाई करिए, किसी को गुस्सा आ रहा क्या? हम पूछेंगे आपसे, गुस्सा नहीं ना होगा होंगे आप? हाँ हम अब पूछने जा रहे भाई, कोई गुस्सा नहीं होगा, अगर कोई गुस्सा होगा ना भाई तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, गुस्सा होके भी क्या करेंगे भैया। चलिए देखिए, मैं कर रहे लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे गाइस, स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा पहला सवाल है, वो कौन सा कैपिटल है जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं? वो कौन सा कैपिटल है जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स या वर्किंग? आकांक्षा, कृष्णा, खुशी का रिप्लाई आज नहीं आ रहा भाई, खुशी भी सैड लग रहा। फिक्स फिक्स फिक्स, खुशी बाबू खुशी बोल नहीं रहे हो आप, खुशी कनेक्टेड है देखिए तो, खुशी अच्छा अच्छा खुशी पहले आंसर दे दी, वेरी गुड, ठीक है। तो फिक्स एसेट में जो पैसा लगाएंगे वो फिक्स कैपिटल, और डे टू डे एक्टिविटी में जो लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना बाबू? फिक्स एसेट में लगाने से फिक्स कैपिटल, और डे टू डे एक्टिविटी में लगाने से वर्किंग कैपिटल। पर सवाल इतना आसान नहीं है मेरा, मेरा सवाल यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, इंग्लिश में पूछे क्या? डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ रहे, बताइए, इफ इफ द बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इफ द बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी हाई और लो, प्लीज रिप्लाई। इफ द बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज हाई और लो? अरे भाई इतना फास्ट आंसर कैसे दे सकते हैं बच्चों लोग, बहुत बढ़िया यार। अच्छा, इफ इफ वी आर प्रोड्यूसिंग पेरिसेबल गुड्स, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग पेरिसेबल गुड्स, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज हाई और लो? अगर हम पेरिसेबल गुड्स बना रहे हैं तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा या कम? लो होगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम बीइंग प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, वेरी गुड गुड़िया का आंसर आया पहली बार, वेरी गुड गुड़िया, वेलकम टू आवर क्लासेस, वेलकम टू आवर क्लासेस गुड़िया, गुड़िया न्यू ज्वाइनिंग है हम लोग के बीच में। देखिए सो गाइस, एक बार बताओ ना, स्केल, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग ऑन अ लार्ज स्केल, इफ आई एम डूइंग द प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी मोर और लेस, मोर और लेस?
वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. इफ इफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लास्ट क्वेश्चन है फिर वर्किंग कैपिटल चले जाएंगे. इफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल इंटेंसिव, इफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल इंटेंसिव देन फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड विल बी मोर और लेस. मोर और लेस, मोर मोर मोर, ये दिल मांगे मोर. यस, इसलिए 100 मिलने के बाद भी खुश नहीं है हम लोग. हाँ फाइन. नाउ गोइंग टू द वर्किंग कैपिटल. तो गाइस पहले ही मैंने आपको समझा दिया, वर्किंग कैपिटल मींस द कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट है. आइए पहले पढ़ते हैं. इट रेफर्स टू ऑल द कैपिटल व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. अभी देखो वर्किंग कैपिटल वाला में भी ना सेम पॉइंट ही आएगा लगभग. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहला है नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर वही बात, बिजनेस का नेचर. नेचर मतलब अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि देखो बिजनेस का साइज जितना बड़ा होगा कैपिटल उतना ज्यादा चाहिए. तो द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज हाई इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन कंपेयर टू ट्रेडिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ये जो आप लोग को हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं इसमें वर्किंग कैपिटल कम है. ये जो आपको हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं इसमें वर्किंग कैपिटल कम है गाइस, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ब्यूटी पार्लर खोलिएगा वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. ब्यूटी पार्लर जो है ना, ब्यूटी पार्लर अगर आप लोग में से कोई बच्चा ब्यूटी पार्लर का पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ब्यूटी पार्लर का हाथ का हुनर आपको आता है, अगर आप ब्यूटी पार्लर खोलोगे तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा. सो गाइस वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहां पे ज्यादा है, और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहां पे कम है. अगला ये स्केल ऑफ ऑपरेशन. फिर यहां पे भी वही बात, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, स्मॉल स्केल है तो वर्किंग कैपिटल कम. द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज हायर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और लेसर इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. यहां पे थोड़ा रिपीट कर दिया है, गलती लिख दिया, ठीक कर लीजिएगा. अगला है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन. ये थोड़ा नया पॉइंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आल्सो डिपेंड अपॉन द बिजनेस साइकिल. सर ये बिजनेस साइकिल क्या होता है. इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले बचपन में कि बिजनेस साइकिल के चार स्टेज होते हैं. किसी को याद है चारों स्टेज का नाम. बिजनेस साइकिल मतलब जैसे हम लोग की जिंदगी का चार साइकिल होता है वैसे बिजनेस के भी चार साइकिल होते हैं. जैसे इंसान का जिंदगी में चार स्टेज होता है, कभी दुख कभी सुख. बेसिक मेन स्टेज दो ही है. नहीं ना, एक इंसान के जिंदगी में जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसी तरह से एक बिजनेस के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं. एक बिजनेस के लाइफ में चार स्टेजेस होते हैं, बूम, स्लम, रिसेशन, रिकवरी. कृष्णा आंसर दिए, वाह कृष्णा आंसर दिए गाइस. कृष्णा के लिए तालियां, कृष्णा के लिए ताली मारी, ऑनलाइन ताली कृष्णा के लिए. देखिए बूम स्लम रिसेशन रिकवरी, बूम स्लम रिसेशन रिकवरी. भैया भैया बूम क्या होता है, स्लम क्या होता है, रिसेशन क्या होता है भाई, रिकवरी क्या होता है. गाइस 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 बूम और स्लम को आपको समझना है. यहां पे बूम मतलब गुड सिचुएशन, बूम मतलब अच्छा सिचुएशन, बूम मतलब बेस्ट सिचुएशन. इन इकोनॉमिक्स बूम रेफर्स टू द बेस्ट सिचुएशन ऑफ द बिजनेस. जब हर जगह सिर्फ आपका डिमांड हो, जब हर जगह लोग सिर्फ आपको पूछते हो, जब हर जगह लोग आपका रिस्पेक्ट करते हो, यही तो बूम है भाई, यही तो बूम है. मार्केट में डिमांड ही डिमांड, जहां जा रहे बाबा, जहां जा रहे बाबा. अच्छा नोकिया, नोकिया अभी बूम में है ना स्लम में है, बताइए नोकिया बूम में है कि स्लम में है. अरे देखो पगला को, ये कौन पगला है, बोल रहा बूम में है नोकिया. दत्त हाँ स्लम में, स्लम मतलब बैड सिचुएशन, डिप्रेशन, बुरा वक्त. कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा आपको, मतलब आप स्लम में हैं, डिप्रेशन में हैं. दोस्त का पास जा रहे, दोस्त ब्लॉक कर दे रहा, डिप्रेशन में है जिंदगी आपका. जिससे चैट कर रहे वही बोल रहा छी तुमसे बात नहीं करेंगे, ब्लॉक, डिप्रेशन में है जिंदगी आपका.
दोस्तों, अ गुड सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज बूम एंड द बैड सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज नोन एज स्लम. नो प्रॉफिट इन द बिजनेस, नो इन्वेस्टमेंट, नो डिमांड, दैट इज स्लम. एक्सेस प्रॉफिट, गजब वाला डिमांड, गजब मार्केट रिस्पेक्ट. हिंदी में ना, हम लोग हिंदी में एक लाइन है कि पत्थर को भी छूते हैं तो सोना बन जाता है. हिंदी में एक लाइन है कि पत्थर को भी छूते हैं तो सोना बन जाता है. एग्जैक्टली. देखिए एक छोटी कितना अच्छा बात बोली है. आप लोग का जो एग्जाम में रिजल्ट निकला है अभी, जो 6-3 दिन पहले हम लोग का रिजल्ट निकला है, आप लोग बूम में हो ना स्लम में हो? आपने कोई ऐसा बच्चा बता दीजिए जो लोग एग्जाम दिए हो हम लोग के पास से और स्लम में है, बता दीजिए. कोई भी ऐसा बच्चा को बताइए जो स्लम में है. आप लोग सबका सब बूम में हो. बूम है माय डियर स्टूडेंट. इतिहास रच दिए, हम भी रच दिए, आप भी रच दिए. अपना जिंदगी में हम आज तक कभी इतना मार्क्स नहीं देखे थे. हाँ, तो वी आर ऑन द बूम माय डियर स्टूडेंट. बूम पीरियड में चल रहे हम लोग. चलिए, अच्छा. सो गाइस, अगर बूम होगा, अगर बूम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर डिमांड ज्यादा होगा तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए. लॉजिक समझिए. बूम मतलब गुड टाइम, गुड टाइम. अगर टाइम अच्छा होगा तो डिमांड बहुत होगा, और अगर डिमांड बहुत होगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए. देखिए लिखा होगा, एज वी नो देर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. अमंग देम द मोस्ट पॉपुलर इज द बूम एंड द स्लम. बूम सिंपल इंप्लॉइज गुड, इंप्लाइज गुड सिचुएशन. करेक्शन करें, स्पेलिंग मिस्टेक है. बट इन सिचुएशन व्हेन देर इज नो डिमांड, दैट इज कॉल्ड स्लम. इन द बूम पीरियड द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर एज कम्पेयर टू स्लम. एक बार बताइए, मेरा बुरा वक्त आ गया, मेरा कोई कस्टमर नहीं है, तो भाई हमको जीरोक्स देना पड़ेगा क्या? अभी देखिए, हम लोग स्लम, आप लोग बूम में हो बट हम अभी स्लम में चल रहे. आप लोग बूम में हो बट मेरा तो टाइम अभी स्लम में चल रहा. तो गाइज, अभी बच्चे नहीं आ रहे लॉकडाउन के कारण, बच्चे लोग ट्यूशन में नहीं आ रहे, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे. अभी ट्यूशन में बच्चे नहीं आ रहे तो हमको जीरोक्स तो देना नहीं पड़ रहा. अगर जीरोक्स देना नहीं पड़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. देखिए, बूम पीरियड में डिमांड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रॉ मटेरियल का खर्चा, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब बहुत क्रिएट होता है. तो बूम पीरियड में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा और स्लम पीरियड में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा. आई थिंक आप समझ गए होंगे. यस और नो भाई और बहनों? यस और नो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग और प्यारे प्यारे बहन लोग? आइए, अगला है सीजनल ऑपरेशन. सीजनल ऑपरेशन होगा. सीजनल बिजनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. सीजनल बिजनेस, आपको पता है दो चीज दुनिया में बहुत पॉपुलर है. एक जमाना में एक गाना आया था, यार बदलना जाना मौसम की तरह. सुने थे ना आप लोग? एक जमाना में एक गाना आया था, यार बदलना जाना मौसम की तरह. क्योंकि पता है जो आदमी गाना लिखा था उसको पता था कि इंडिया में दो चीज बहुत बदलता है, तो यार एक तो मौसम. इंडिया में दो चीज बहुत ज्यादा बदलता है. अगर आप मेरा बात से एग्री है तो लाइक मार दीजिए. पसंद है ना? दो ही, देखिए दो चीज इंडिया में बहुत बदलता है, एक तो आपका यार और एक तो आपका मौसम. इसीलिए आप देखो कि बारिश के टाइम में बेटा गर्मी लगता है, गर्मी के टाइम में देखिए बारिश होगा. पसंद है ना? क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं इंडिया में. और इंडिया में मैक्सिमम लोग सीजनल बिजनेस करते हैं. अभी अगर आप सीजनल बिजनेस करोगे ना तो सीजनल बिजनेस का एक खराबी है. क्या खराबी है सीजनल बिजनेस का? खराबी यह है कि जिस सीजन में आपका डिमांड है उस सीजन में तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. अजीत का यार बदल गया है सर, एक लड़का बोला अजीत का यार बदल गया है. हाँ, हो सकता है बाबू. देखिए जिंदगी में कौन कौन बदल जाए कोई नहीं आता, कब पलटी मार दे बेटा. तो आइए, तो सीजनल बिजनेस क्या होता है? तो देखिए, सीजनल बिजनेस का मतलब होता है गाइस, जैसे आइसक्रीम. देखिए, आइसक्रीम इंडस्ट्री में डिमांड जितना ज्यादा गर्मी में होगा उतना डिमांड ठंडा में होगा क्या? जितना आइसक्रीम इंडस्ट्री में जितना डिमांड गर्मी में होगा उतना डिमांड ठंडा में होगा? यस और नो? अभी देखो, हम लोग भारतीय लोग हैं भाई, फ्री में मिल जाए तो ठंडा में भी आइसक्रीम खा लेंगे, फ्री में मिल जाए तो ठंडा में भी मार देंगे. लो दो बेटा, तो अगर फ्री में आइसक्रीम मिल जाए तो ठंडा का टाइम में भी मार लेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं. लेकिन अपना पैसा खर्चा करके नहीं पिएंगे. हाँ, अरे वाह, अपना पैसा खर्चा नहीं करेंगे. फ्री में मिल जाए तो लगाइए, मंगाइए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, लाइए. जैसे देखिए, अभी मान लो हम लोग का इंडियन फैमिलीज भी लाइक दिस. अभी मान लो कोई बच्चा अपना मम्मी पापा को बोला कि भाई ठंडा का मौसम है, बोला हमको थोड़ा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है. मम्मी लेना है ठंडा में आइसक्रीम खाओगे बुखार लग जाएगा, मारेंगे बेटा, चप्पल चप्पल मारेंगे, जो बेटा बैठो ठीक से. अब वही अगर मान लीजिए
किसी का शादी में जा रहे, तो मम्मी उसको पकड़ के बोले, गए छुटका आइसक्रीम खाना, काहे नहीं खा रहा, खा खा आइसक्रीम का, काहे नहीं खाता आइसक्रीम, खाओ मारेंगे बेटा, आइसक्रीम नहीं खाओगे तो मारेंगे, घर पे खाली आइसक्रीम चलाता, खाओ ना यहाँ पे जितना खाना है। गाइस भारतीय हम लोग, फिर भारतीय हम लोग, भारतीय हैं, वी प्राउड ऑन दिस, यस जय हिंद। देखिए हाँ, सो गाइस इफ यू आर इन अ सीजनल बिजनेस, ऑन दैट पर्टिकुलर सीजन आपका डिमांड ज्यादा होगा, आपका डिमांड ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में जाओगे तो डिमांड कम होगा। इस कारण से ऑन सीजन में हाई डिमांड होता है, ऑफ सीजन में हाई डिमांड ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ऑफ सीजन में लो डिमांड ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। लास्ट पॉइंट आज के लिए पढ़ाने जा रहे, मार्केट कॉम्पिटिशन, द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, जिस मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे हमको पैसा भी मेरे पास हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। जिस मार्केट में कंपटीशन कम होगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा कस्टमर घूम फिर के तो मेरे पास ही आएगा। तो जहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहां कंपटीशन कम है वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है। बट माय डियर स्टूडेंट, बहुत मजाक किए, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखे, आपसे पूछेंगे एक तो बात आपको सड़क काम का बताते। देखिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है ना, स्पेशली आप लोग से जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में, आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है ना कि यू प्लीज फोकस ऑन स्टडी, इवन इफ देर आर ऑनलाइन एग्जाम्स। अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होते भी है ना, फिर भी आप लोग जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में हो, कॉलेज के स्टूडेंट जो लोग हो, जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप लोग प्लीज ना पढ़ाई पर फोकस करिए, आप लोग नॉलेज बूस्ट करने पर फोकस करिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब ऑफलाइन होता था ना, ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़ते थे, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज के रहता था आपके पास। अगर आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे ना गाइस, तो ट्रस्ट मी कल होकर के अगर कोई जॉब वॉब करने जाएंगे ना, आपको बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स तो सबका आ रहा है। अगर मेरे बच्चों का 100 में 100 आया है, तो दूसरे जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों के बच्चों का भी तो 100 में 100 आया गाइस। तो मार्क्स का वैल्यू नहीं होता है इस सिचुएशन में। आप जब जॉब में जाओगे ना, आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है ना कि बहुत ज्यादा तो नहीं, तो कम से कम एवरेज नॉलेज तो रखिए हर एक सब्जेक्ट का। पढ़ाई लिखाई बंद करके मत बैठ जाइए, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत डार्क है, ट्रस्ट मी। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए, तो ये था फिक्स कैपिटल और ये था वर्किंग कैपिटल। तो गाइज वर्किंग कैपिटल वाला पूछे क्या, वर्किंग कैपिटल वाला पूछे, बाबू फैन ऑन कर दीजिए। वर्किंग कैपिटल वाला पूछते हैं, अच्छा बताइए अगर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम, ज्यादा या कम बताइए, ज्यादा या कम, ज्यादा। फिर हिंदी में बोला, फिर हिंदी में बोल रहा भाई, द 4 साल का मेहनत बर्बाद कर दिया मेरा। यस, अच्छा बताइए अगर मेरा लार्ज स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम, ज्यादा या कम भाई। अच्छा बताइए ऑन सीजन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा या कम, ऑन सीजन में क्या चाहिए होगा, ज्यादा, इशारा भी तो दे रहे। तो गाइस यहां तक आप रिवीजन करना, फिर इसके आगे अगला दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।